कितने टाइम से चला रहे थे ऑटो यहाँ पे? यहाँ पे चला रहा हूँ सर 22 साल हो गए मेरे को। 22 साल कहाँ के रहने वाले हो आप? जैसलमेर सिटी का। कौन सी जगह रहते हो जैसलमेर में आप? जैसलमेर में किले के गेट के आगे। अच्छा, फोर्ट गेट के आगे। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह भाटी। सुरेंद्र सिंह भाटी, भाटियों का इतिहास भी बड़ा खतरनाक है, पुराना है। काशी मथुरा प्रांगण अरु भटनेर आठवां लद्रुआ और नवा जैसलमेर। अच्छा, अभी अपन पहले कहाँ जा रहे हैं फिर? अभी पटवा का हवेली। सबसे पहले पटवा हवेली जा रहे हैं, फिर पटवा हवेली अंदर नहीं देखेंगे, देखने लायक बाहर से ही है। हाँ। तो कारवी ने उसका बस लकड़ी पे भी नहीं होता है, वो पत्थर से हुआ है। तो भैया क्या बोले, पटवा हवेली बाहर से देखने लायक ही है, क्योंकि जो काम लकड़ी पे भी नहीं, जो काम लकड़ी पे भी नहीं होता वो काम वहाँ पे पत्थर पे किया गया, इतना बारीक काम किया गया है। इस बाजार का नाम क्या है? गुलस्ता रोड है। गुलस्ता रोड। गुलस्ता रोड। हाँ, अब ये हो गई आसनी रोड। आसनी रोड अब आ गए हम। इसे बोलते महावीर भवन जैनियों की सबसे पुरानी धर्मशाला है। महावीर भवन जैनियों की सबसे पुरानी धर्मशाला है। पंतीर्थी के लिए जैनिज्म वाले टूट जाते हैं। हाँ। खाना पीना यही होता है। पहला तीर्थ पोखरण, दूसरा जैसलमेर, तीसरा अमर सागर, चौथा लद्रुआ, पांचवा भरमसर। पांच तीर्थ जैसलमेर के अंदर जैनिज्म के 3200 मकान थे यहाँ पे, आज 12 मकान रह गए। 1947 में सब चले गए हैं। हिंदू ने मुसलमान को काटा, मुसलमान ने हिंदू को काटा, इन्होंने अपने खुद का बिजनेस काटा, बिजनेस काट के चले गए बम्बई, कोटा, रतलाम, इंदौर। ये महावीर स्वामी का मंदिर है, ये पुरानी धर्मशाला, पुरानी होटल बोलो तो यही है जैसलमेर के। ये पटवा हवेली 18th century में बनाया गया है। जैनी जाति है, बापना गोत है इनकी। एशियाड में इनकी 300 दुकानें थी। यहाँ से बम्बई से सिल्क रूट, दिल्ली से स्पेसी रूट, यहाँ से कैमल खारवान का बिजनेस। यहाँ से कैमल कारवान का बिजनेस होता था। ऊँटों पे सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, जोरात और ओपियम भेजते थे यूरोप के एंट्री के लिए। अच्छा, शहर के अंदर काल पड़ गया था। किस चीज़ का काल पड़ गया था? बारिश नहीं हुई। अच्छा, खाने पीने की सामग्री खत्म हो गई, लोग यहाँ से जाने लगे थे। हाँ। जब सेठों ने अपना खजाना खोला और सबको काम पे लगा दिया, हवेली का काम चालू हो गया, सबको रोजगार मिल गया। 60 साल में जाकर के ये 5 हवेली बनी। क्या? 60 साल में जाकर के 5 हवेली बनी। एक हवेली में 12 साल लगे बनाने में। इस हवेली में कितना टाइम लगा? 12 साल। इसको 12 साल लगे। हाँ, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5, पूरी 5 हवेली एक साथ ही। हाँ, 5 भाई। अच्छा, 5 भाई के। भैया जैनी जाती है, बापना गोते हैं इनकी। किले पे जैन मंदिर इन्होंने बनाए हैं। अच्छा, इन पैसे से। और दो स्टोरी अंदर है, मैं बता दो। हम अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं ये बता दो। अंदर इसीलिए नहीं जा रहे हैं कि टिकट लग रही है, अंदर है ही कुछ नहीं, और गाइड को पैसा मिलता है इसलिए गाइड लेके जाता है। अंदर खंडर है, कुछ नहीं, अंदर कुछ नहीं। जो हाँ। देखने की चीज़ें वो बाहर से नक्काशी है, पूरी की पूरी पत्थर की खुदाई है, एक तरफ पत्थर की खुदाई है एक तरफ। ये हवेली 1971 में इंदिरा गांधी ने खरीदा। अच्छा, पहले प्राइवेट हवेली थी, कोई अलाउ नहीं था। इंदिरा गांधी यहाँ पे पधारी, हवेली देखा, वॉचमैन ने रोक दिया। वॉचमैन बोला बोस से परमिशन लो, फिर अंदर जाओ। फिर सेठ जी को बुलाया गया, सेठ जी जानते हैं इंदिरा गांधी को। फिर इंदिरा गांधी ने 1,00,000 रुपये में यह हवेली खरीदा। अभी आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट में दिया गया है और टूरिस्ट के लिए टिकट रखी गई है, ऊपर से नीचे जाकर के घूम के वापस आ जाते हैं। दूसरा हवेली महेंद्र भाई बापना का है, उनका रियल मालिक वहीं रहता है 7 जनरेशन से। अच्छा, अरे नुद्रास जी हसो तो मीठा लागो, नुद्रास जी पापा जी तो प्यारा लागे, मम्मी सानो प्यारा लागे, बिठड़ा सोवे तोरे आपने। सामली सूरत वाला रे नुद्रास जी, सामली सूरत वाला रे नुद्रास जी, बिठड़ा सोवे तो मीठा लागे, बोले
प्यारा लागे लिठड़ा सुवे थरे आंगणे। अरे पापा जी नौ प्यारा लागे मम्मी सा नौ प्यारा लागे ओ नंदरवास जी दादी सा नौ प्यारा लागे दादे सा नौ प्यारा लागे लिठड़ा सुवे थरे आंगणे। ओ घड़ी घड़ी थरी बाट तो जुआ थरी बाट तो जुआ। ये हवेली है भाई इनकी, ये इसी के ये जैसलमेर की है, पटवा हवेली ना लेफ्ट साइड। यहाँ से कैमल कारवान स्टार्ट होता था ऊँटों से काबुल कंदर अफगान यूरोप एंट्रेंस जाते हैं। अच्छा। पहले काबुल जैसलमेर इंडिया में अभी पाकिस्तान में अफगानिस्तान में का अफगानिस्तान अपने में था तालिबान अपने में था काबुल कंदर अपने में था थोड़ी से उनमें पार्टीशन हुआ। हाँ। नेहरू ने जिन्ना ने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजाओं ने 1-2-4 कर दिया। रुद्रांश की मौज है भाई। हाँ। रुद्रांश कंधे बैठे घूमते रहते हैं। हाँ। नीचे उतर ही नहीं रहे नहीं उतरेगा किसी गोद में किसी कंधे पे मैं घर जय गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छा ऑटो कर लिया। ये भाई देखो ये कंचनश्री आइसक्रीम वाले सुना है यहाँ पे 32 क्वालिटी की लस्सियाँ मिलती हैं आपको अलग अलग क्वालिटी नो आइस नो वाटर और खूबी आप बता दूँगे। हाँ जी लस्सी क्या है एक तो महाराजा लस्सी पहले राजा लोग पहन दिया करते थे। अभी राजा महाराजा अपन ही है 47 में राज चला गया इन्होंने पब्लिक को पिलाना चालू कर दिया है। गबा गब लस्सी लबा लब लस्सी मखनिया लस्सी हमारे यहाँ पे कम से कम 1015 रेस्टोरेंट है। नंबर 1 रेस्टोरेंट में इसको गाय के लिए दे रहा हूँ टूरिस्ट के लिए सेम प्राइस लोकल गाय के लिए सेम प्राइस इसलिए ये इनके बारे में। तो ये भैया क्या क्या सुना हुआ भैया जी? राहुल जैन जी हैं जी। नमस्कार। तो आपकी लस्सी की दुकान का नाम भी है बहुत दुकान है जब से हम आए ना जी जी तब से इसे लोहा की दुकान भी लाना चाह रहे कह रहे भी वो जरूर पी के जाना। नहीं नहीं लस्सी हमारी 3 दिन से जैसे मैं घूम रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है मुझे किसी ने नहीं बताया। आप कहाँ से बता रहे? मैं दिल्ली से। अच्छा और अभी इन्होंने बताया कि नहीं आपकी लस्सी पी अगर आपकी लस्सी पिए बिना चले गए तो मतलब जैसलमेर आना फेल है। मिस करोगे आप जैसलमेर को सही कह रहे हैं। तो इन्होंने एक चीज़ बड़ी अच्छी बताई आपके बारे में वो ये कि आप प्राइस में डिफ्रेंशिएट नहीं करते। नहीं हमारे यहाँ पे हमारे पिताजी भी अमीर हैं गरीब हैं अंग्रेज हैं हिंदुस्तानी हैं कोई भी है पैसा बराबर है। डबल हमारे लिए एक ही रेट है। जैसे जो इंसान आते हैं जी बताइए आप कौन सी लस्सी प्रेफर करते हो? हम मीठा थोड़ा देश खाते हैं। बिल्कुल 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 वैसे हमारी 2-3 तरह की लस्सी सबसे ज़्यादा फेमस है। एक मखनी लस्सी जिसमें हम प्योर नेचुरल दही केसर इलायची की बनी हुई। एक सेकेंड हमारी लस्सी महाराजा लस्सी जिसमें हम हाफ मखनी लस्सी देते हैं और हाफ फ्रूट क्रीम डालते हैं उसके अंदर। क्रीम अच्छा फ्रूट क्रीम डालते हैं। और एक हम बनाते हैं स्पेशल लजवाड़ी लस्सी जो मिट्टी के ग्लास के अंदर मखनी लस्सी जैसे इसका बेस रहता है और उसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट कॉकटेल डाल के देते हैं जिसके अंदर फ्रूट भी रहता है और ड्राई फ्रूट भी मिक्स। मलाईदार लस्सी कौन सी होती है आपकी? जो हमें देसी लस्सी होती है जाटो वाली चौधरी मखनी लस्सी। हाँ तो मुझे एक वो पिलवा दीजिए आप एक बार। बिल्कुल बढ़िया। बाकी प्राइस थोड़ा बताएं अगर लोगों को आना हो लोगों को आपकी दुकान पे तो चलो मुझे तो किस्मत से मिल गई उधर से मिल गई। अगर जो लोग जिन लोग अंकल जी नहीं मिलेंगे उन लोगों को आना तो कैसे जब भी आइए गड़ी से लेके आते गड़ी से तालाब है पास में। हाँ। ये गड़ी से रोड है। हाँ। तो सीधा आगे तालाब को जाता है। हाँ। गड़ी विसर तालाब से आधा किलोमीटर पहले गड़ी से तालाब से आधा किलोमीटर पहले गड़ी से रोड पे गड़ी से तालाब से अगर आप बाजार की तरफ घुसोगे ना तो गड़ी से रोड पे मेन रोड पे। हाँ तो मुश्किल से आधा किलोमीटर बाजार की तरफ है। कैसे पूछ भी लोगे कंचन आइसक्रीम कंचन फ्री आइसक्रीम जैन साहब के नाम से फेमस है। जैन साहब की लस्सी जैन साहब की लस्सी जयंत और जैन साहब जैन साहब जयंत जी जैन साहब के। हाँ जैन साहब के नाम से लस्सी की दुकान फेमस है। अगर आपको आना हो तो जरूर आइए और पी के जाइए यहाँ पे। इसका स्वाद आप चखिए हम भी स्वाद चखिए मैं बताऊँगा कैसा लगा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल देखो सिवास में मौज आ रही है ये इंडस्ट्रियल फैन कूलर लगा हुआ है उसकी वजह से क्या मौज आ रही है। लस्सी है कौन सी लस्सी पीनी हमें? मैंने ये कौन सी लस्सी थी जो मखनिया ये मखनिया लस्सी थी भाई। सिर्फ एक 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 कमी लगी थी प्लास्टिक ग्लास में दी हुई है जो कि प्लास्टिक हमें यूज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा तो लस्सी बहुत टेस्टी है। बहुत
डिलीशियस है। ड्राई फ्रूट्स है इसके अंदर बहुत सारे, मक्खन है, फ्लेवर डाला हुआ केसर का, और गाढ़ी है लस्सी, बहुत बहुत गाढ़ी है, और जो मीठा है वो भी बिल्कुल लिमिटेड है जितना होना चाहिए। तो भाई दोस्तों ये हैं नागोदर खान जी, हम लस्सी पीने आए थे अंकल जी के साथ, और यहीं पे इनको मिल गए खान साहब। खान साहब की दो चार चीज़ें अच्छी हैं, एक तो इनको जापानी बोलने आती है, अगर मैं सही सुना, जापानी भाषा बोल दीजिए, जापानी बहुत अच्छे बोलते हैं, उसके अलावा भी कुछ इंग्लिश बोलने आती है, जापानी आती है, और ये जापानी इंग्लिश हिंदी राजस्थानी और ये सब तब आती है जब ये पढ़े लिखे नहीं है, करेक्ट? जी सर, अनपढ़ बिल्कुल अनपढ़ आदमी है। तो भाई तो एक काम करो, जो लोग फॉरेन क्लासेस ले रहे ना भैया के पास आके जरा थोड़ी देर रह लो, काम करो उनके साथ, वैसी आ जाएगी। हाँ, और अच्छी बात है बिजनेस मैन है, ईमानदार बिजनेस मैन है भैया के पास, अपना एक होटल भी है। जी दो होटल है मेरी, दो होटल हैं जी, मना है टोक्यो पैलेस, बहुत पुराना होटल है। अच्छा, कहाँ कहाँ पे है आपकी? एयरफोर्स सर्कल सिटी के अंदर है, एयरफोर्स सर्कल के पास में। ये रिजॉर्ट है या सिर्फ होटल? जी सब मेरा रिजॉर्ट है। नहीं, यहाँ पे सिटी में क्या क्या? यहाँ पे होटल हैं, दो होटल हैं। कितने बड़े बड़े होटल हैं ये सर? 15-16 रूम की, 15-16 रूम की होटल है, स्विमिंग पूल है, रेस्टोरेंट अच्छी होटल में। और क्या प्राइस रेंज है आपके होटल? इससे 1500 से स्टार्ट है, अब तो 3500 रुपये तक है। अब तो 3500 रुपये तक जी सर। और टैक्सेस वैक्सीज होंगे इसके अंदर ही? नहीं, इसके अंदर है, इसके अंदर ही है ब्रेकफास्ट और टैक्सेस इंक्लूडिंग। पहला होटल कौन सा है? टोक्यो पैलेस। हाँ, ये एयरफोर्स सर्कल पे, एयरपोर्ट सर्कल पे है। इसके पास जो रूम साइज है वो कितना है, कुछ आइडिया है आपको? एक रूम साइज क्या है? साइज का सर ये स्क्वायर फुट पे करीबन 400 स्क्वायर फुट में, 400 स्क्वायर फीट है जी, 400। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा रूम है, नहीं 400 काफी अच्छा रूम होता है। नंबर हो बता दीजिए ताकि लोगों का आना हो, बुकिंग करनी है तो फोन कर लें आप। फोन नंबर मेरा नंबर है 9414-7272-12-82 जी सर। ये नंबर है भैया का और खान साहब नाम है इनका, इनको आप फोन कर सकते हो आने के लिए, अगर आपको यहाँ आना है और रूम बुक करना है। भैया का नाम है बिलाल, बिलाल भैया का नाम बिलाल है, और ये मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलते हैं, और ये भी एक गाइड है। इटालियन, आप कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच। इटालियन, स्पेनिश एंड फ्रेंच। जैसे एग्जांपल कैसे अपन कहते हैं नमस्ते, ये बोलेंगे बोंजूर, सब थोड़ी थोड़ी तीनों लैंग्वेज बोल के दिखाइए। फ्रेंच में जैसे अपन बोलते हैं नमस्ते तो बोलते हैं बोंजूर। आप ना एक काम कीजिए, आप तीनों लैंग्वेज में अलग अलग अपना नाम और मोबाइल नंबर बताइए। मिकिया मो बिलाल एंड मेरा नंबर द टेलीफोन 9829-140-702। क्वेस्टो इटालियानो, ये है इटालियन। अब मैं बताऊंगा स्पेनिश में कि यू हैव स्पेनियोल एंड मेरा टेलीफोन नंबर है 9829-140-702। अच्छा, एंड फ्रेंच में बोजू जैसे बिलाल, मेरा नाम है बिलाल एंड मैं पोख्ता नौ विथ 1 9 100 7 0 2। बहुत बढ़िया भैया, देखो हमें तो और सब टूरिस्ट से सीखा है सर, कोई स्कूल नहीं गए कभी भी। अच्छा, सेम कंपनी है सर ये हेडमास्टर इस कंपनी के, कंपनी सिर्फ जैसलमेर नहीं घुमाता, पूरा इंडिया। आप पूरे इंडिया घुमाते हो? इंडिया सेंटर। आपको अगर आना हो कभी, इवन ये ऑनर्स ही नहीं, अगर आप इंडिया के रहने वाले भी और आपको लगता है कि कोई आपको सपोर्ट चाहिए जैसलमेर में, तो आप भैया से कांटेक्ट कर सकते हो। अब एक बार हिंदी में नंबर बता दीजिए अपना। 9829-140-702। और भैया का नाम है बिलाल। अंकल जी की, अंकल जी की जरा एज गेस करो सब लोग। ये देखो अंकल जी की जरा एज गेस करो क्या है, और ये लगा लीजिए, अगर आप 10 सेकेंड में बता पाएँ तो खुद से चेक कर लेना क्या एज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भाई अंकल जी अब आप बताओ आपकी एज क्या है? 72। भाई साहब मेरे फादर है वो 65 के हैं और ये 72 के हैं। 15 किलोमीटर अंकल डेली पैदल चलते हैं। ठीक है, अब हम अंकल जी लेके जा रहे हैं एक नई हवेली, उसका हालांकि नाम अभी नामांकन हुआ नहीं है, लेकिन बीएल हवेली के नाम से जानते हैं उसको। ये हवेली, ये बी एल हवेली खूब देखी होंगी। हाँ। ऐसी हवेली आपको कहीं नहीं मिलेगी, ताजमहल से टक्कर देगी। बहुत बेहतरीन हवेली है, इसकी प्राइस देखिए आप। अगर आप देखो ना, ट्री ऑफ लाइफ डाला गया है, छत देखी आप। अरे आगे का बाकी फोटो लीजिए फिर। खांचे बनी
मशीन नहीं, ये सब हाथ का काम है। जब 18 साल लगे, तब 18 साल लगे इसको बनने में। और यहाँ से आप अच्छा यहाँ पे इसके अंदर जो मार्बल लगा है घर के अंदर वो इटालियन मार्बल है। ये डिजाइन देखिए आप, सिंगल नहीं, नीचे वाला बात। हाँ नीचे अलग है पूरा, सब अलग है। हाँ नीचे अंडरग्राउंड बनाया गया है, पता अच्छी बनी है। बस तो थोड़ा खुले बनाते तो और भी अच्छी लगती हमारी तरह। नहीं वैल्यू इसकी अभी जैसे मैंने कौन सी हवेली है, सालम सिंह दीवान, सालम सिंह दीवान जी की हवेली, इनकी हवेली खाली पड़ी है अभी। हाँ अभी नहीं, इनके वंशज है, पीढ़ी दर पीढ़ी रहते हैं। जैसे अंदर रहते हैं आप सर जी, इतने बड़े हवेली सफाई कौन करता है, नौकर के भाई खुद ही करते हैं खुद का काम। जितने भी है सब सेल्फिश है, खुद का काम करने वाले, खुद का काम खुद करो। बोझ हो रहा है अभी जो मैंने जिनका जो हवेली दिखाई और वो सुनार वाले जो अंकल दिखाए उनके जो पूर्वज थे उन्हीं की वजह से वो जो 84 गांव है खाली हुए थे, जिनको आज के डेट में भूतिया गांव भी बोला जाता है, भूतिया गांव भी बोला जाता है। वहाँ पे शाम को 5 बजे के बाद जाना वैसे ही मना है। उनकी थोड़ी हिस्ट्री जो है वो मैं अंकल से पूछते हैं, अंकल थोड़ा हिस्ट्री बताओ क्या भाई। ऐसा है, शादी करने के लिए सालम सिंह जी ने ब्राह्मण पलीवाल जाति की लड़की को देखा, बोला मैं शादी करूँगा। तो ब्राह्मण क्या दिमाग से मारते हैं, तलवार से ब्राह्मण कभी आक्रमण नहीं करते। तो ब्राह्मण के पास में माइंड होता है, राजपूत के पास में तलवार होती है, बनिए के पास में कलम होती है और हरिजन के पास में झाड़ू होता है। ये चार जाति है, चारों के चारों हथियार है। जब वो ब्राह्मण चला गया 84 विलेज के अंदर, सबको बोला अपनी एक शादी की, अपनी बेटी की शादी हो रही है सालम सिंह के साथ में, सब ने मना किया। तो बोला मार देगा, मारेगा कैसे साला, मार नहीं सकता, दिमाग से मारो। दिमाग से क्यों मारा, एक रात के अंदर 84 गाँव खाली हो गए और चले गए यहाँ से पाली। कुलदरा खाबा खाबिया तीन गाँव आपका नाम, एक ही गाँव मंदिर रहता है कुलदरा नहीं है, खाबा खाबिया डेडा हड्डा जाजिया रातला मुलाना दहीकोट डाबला सब गांव है, रामगढ़ है, सोनू है, ये सब गांव पलीवाल है। अगर आप कोई गांव देखने हैं तो कांटेक्ट कीजिए अंकल जी। अभी पलीवाल के जो इनके वंशज रहने वाले थे वो कभी आते हैं तो वो क्या अपने गांव के बारे में मालूम नहीं होता, तो मैं लेके जाता हूँ ये तुम्हारा गाँव है, फिर वो पुरानी बही से देखते हैं ये अपना मकान, ये अपना वो दादा मकान, खूब गाँव है।